हाय एवरीवन, वेलकम टू मेरा फिजियो, अ पैन इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एंजाइना पेक्टोरिस के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट पार्ट में हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, और उसके बाद हम बात करेंगे फिजियोथेरेपेटिक मैनेजमेंट के बारे में। अपने पिछले वीडियो में, जिसमें हमने कॉजेस के बारे में बात किया था एंजाइना पेक्टोरिस के, उसमें हमने देखा कि एज फैक्टर और लाइफस्टाइल फैक्टर के कारण बहुत सारी हार्ट डिजीजेस हो सकती है। अब देखते हैं कि इन हार्ट डिजीजेस या इनसे होने वाले जो एंजाइना पेन है, उसको डायग्नोस कैसे किया जा सकता है। एंजाइना को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर फिजिकली एग्जामिन करते हैं पेशेंट, साथ ही उससे उसके सिम्टम्स के बारे में जानकारी लेते। इस जानकारी के साथ ही डॉक्टर कुछ और सवाल पूछते हैं, जिससे वो पता करते हैं कि किन रिस्क फैक्टर्स में इन्वॉल्व है पेशेंट्स। कहीं कोई फैमिली हिस्ट्री रही है हार्ट डिजीज की, डायबिटिक तो नहीं है, हाइपरटेंसिव तो नहीं है, पेशेंट का वेट कितना है, पेशेंट का बीएमआई कितना है, पेशेंट की एक्टिविटी लेवल क्या है पूरे दिन की, पेशेंट का वर्किंग नेचर क्या है, जिससे उसके स्ट्रेस लेवल के बारे में पता चल सकता है, पेशेंट की पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कैसी रही। इन सब जानकारी के साथ एंजाइना को डायग्नोस करना इजी हो जाता है। इस क्वेश्चनार मेथड के बाद कुछ टेस्ट्स भी करवाए जाते हैं एंजाइना को डायग्नोस करने के लिए, जिसमें से सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो ब्लड टेस्ट होता है। इस ब्लड टेस्ट को करने का मेन रीजन होता है हमारे एंजाइम्स यानी कि ट्रोपोनिन लेवल को चेक करना। ब्लड टेस्ट से या ट्रोपोनिन टेस्ट से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रोपोनिन का लीकेज तो नहीं है ब्लड में, जिससे हमारे हार्ट में कोई भी एबनॉर्मैलिटी आई। ट्रोपोनिन के लीकेज के कारण भी हार्ट डिजीजेस या हार्ट अटैक हो सकता है। So, सबसे पहले इसको रूल आउट किया जाता है। उसके बाद ब्लड टेस्ट, एक फुल बॉडी ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल, लीवर प्रोफाइल, रेनल प्रोफाइल, पूरे बॉडी की कंप्लीट ब्लड चेकअप किया जाता है। ब्लड टेस्ट में ये देख पाया जाता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल, LDL और ट्राइग्लिसराइड लेवल वो हाई रहता है, जो कि एक रिस्क होता है, और जिनमें हायर रिस्क होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज की, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण एंजाइना होता है, ये हम जानते हैं। ब्लड टेस्ट के बाद इकोकार्डियोग्राम यानी ECG या EKG करवाया जाता है। इसमें जो बीट होती है, हार्ट की बीट होती है, उसे ट्रिगर किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो जनरेट होते हैं हार्ट के स्पेशल सेल्स। इकोकार्डियोग्राम रिकॉर्ड करता है इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जो हमारे हार्ट में ट्रेवल करते हैं। इकोकार्डियोग्राम के पैटर्न
को देख करके हार्ट बीट के नेचर को समझा जा सकता है, यानी वो एरिथमिया किस टाइप का है, टैकीकार्डिया है, ब्रैडीकार्डिया है, हार्ट बीट बहुत रैपिड है, बहुत स्लो है, इंटरप्टेड है, ये सब चीजें ईसीजी के माध्यम से देखी और समझी जा सकती है। ईसीजी के बाद चेस्ट एक्सरे करवाया जाता है। इस टेस्ट से हार्ट और लंग्स की एक जनरल इमेज देखने को मिलती है। इसमें लंग कंसोलिडेशन, पता चल सकता है। इस एक्सरे को करने का मेन रीजन ये होता है कि अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीद है, तो इन सिम्टम्स को देख करके हम ये पता लगा सकते हैं या हार्ट का अगर एनलार्जमेंट हुआ है किसी भी कारण से, तो ये हम चेस्ट एक्सरे के माध्यम से पता कर सकते हैं। स्ट्रेस टेस्ट विदाउट इमेजिंग, एक हार्ट मॉनिटरिंग टेस्ट करवाया जाता है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हार्ट कितना एक्टिवली अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। एक स्ट्रेस टेस्ट में पेशेंट को कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज परफॉर्म करवाई जाती है, जनरली इसे हम ट्रेडमिल टेस्ट भी कहते हैं, जिस क्योंकि पेशेंट को एक ट्रेडमिल में वॉक करने के लिए कहा जाता है, और साथ ही ईसीजी इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड होते हैं। ईसीजी रिकॉर्ड करता है हार्ट के इंपल्सेस को, इलेक्ट्रिकल जनरेट होने वाले इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए। ईसीजी हेल्प करता है डॉक्टर को कि जैसे जैसे हार्ट में पंपिंग या ब्लड पंप की ज्यादा जरूरत पड़ती है, उस समय हार्ट की में जनरेट होने वाले इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का रोल या उनकी कंडीशन कैसी है। अगर हम एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो हम ईसीजी में वो पता कर सकते हैं। जनरली 21 मिनट का स्ट्रेस टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, पेशेंट की जो स्पीड होती है ट्रेडमिल की, वो भी इंक्रीज किया जाता है, जिससे पेशेंट के कार्डियक आउटपुट के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। इकोकार्डियोग्राम से प्रोड्यूस होने वाले, जिसमें हम साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, उससे हार्ट की एक मूविंग इमेज देखी जा सकती है। डॉक्टर्स इस इमेज को एंजाइना से रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि हार्ट मसल्स डैमेज जो पुअर ब्लड सप्लाई के कारण होता है, इनको पता लगाने के लिए इस इमेज का यूज कर सकते हैं। इकोकार्डियोग्राम स्ट्रेस टेस्ट में ट्रेडमिल टेस्ट के दौरान भी किया जा सकता है, और उन एरियाज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है जिन एरियाज में ब्लड फ्लो सफिशिएंट नहीं है। कोरोनरी एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी एक्सरे इमेजिंग को यूज करते हैं और एग्जामिन करते हैं हार्ट के ब्लड वेसल्स को। ये एक जनरल ग्रुप ऑफ प्रोसीजर होता है जिसे हम कार्डियक कैथेटराइजेशन कहते हैं। कोरोनरी एंजियोग्राफी के समय एक डाई इंजेक्ट की जाती है जो एक्सरे मशीन में विजिबल होती है, और जहां भी क्लॉग होता है या प्लाक डिपोजिशन होता है, वहां इस डाई का डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर एरिया को आइडेंटिफाई किया जा सकता है।
और फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड किया जा सकता सीटी ऑफ द चेस्ट यानी कि सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी चेस्ट की। ये एक ज्यादा सेंसिटिव टेस्ट होता है चेस्ट एक्सरे। और कोई भी अगर एओर्टिक डिजीज है, कोई ब्लड क्लॉट है किसी भी ब्लड वेसल्स में, तो सीटी स्कैन से ये ज्यादा इजीली पता लगाया जा सकता है। इस इमेजिंग टेस्ट से ये हार्ट चेस्ट इनकी मल्टीपल इमेजेस प्रोड्यूस की जा सकती है और इन मल्टीपल इमेजेस को यूज किया जा सकता है कार्डियक कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। सीटी स्कैन में जनरली एक एक्सरे ट्यूब के अंदर वहां एक मशीन रोटेट होती है जो बॉडी के पूरे हिस्से में चेस्ट रीजन में रोटेट करती है और हार्ट की डिफरेंट इमेजेस कलेक्ट करती है। इस इमेजेस में हम हार्ट के उन आर्टरीज के बारे में पता कर सकते हैं जो आर्टरीज नैरो हुई है और साथ ही हार्ट के एनलार्जमेंट के बारे में भी पता लगाया जा सकता है या हार्ट के एनलार्जमेंट का रीजन पता लगाया जा सकता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या एमआरआई, इसका मेन पर्पस होता है ये डिटरमाइन करना कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है हार्ट में या हार्ट की मसल्स में वो कैसा है। अगर किसी भी एरिया में ब्लड फ्लो डिक्रीज्ड है तो ये इंडिकेट करता है कि वहां पे प्लाक डिपोजिशन ज्यादा ज्यादा प्लाक डिपोजिशन के कारण जो ब्लड वेसल्स है वहां उस पर्टिकुलर एरिया में नैरो होते। इस इमेजिंग टेस्ट को जनरली 2 बार किया जाता है और इसको एक कंट्रास्ट मटेरियल के साथ भी किया जा सकता है। कंट्रास्ट मटेरियल जनरली एक कोई भी फार्मास्यूटिकल ड्रग हो सकती है जो कि इन फॉर्म ऑफ डाई के रूप में इंजेक्ट किया जाता है। सबसे पहले पेशेंट की इमेजिंग या एमआरआई उस ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद की जाती है जो कि स्ट्रेस टेस्ट के बाद भी कर सकते हैं। सेकेंड एमआरआई तब ली जाती है जब पेशेंट कंप्लीटली रेस्ट में। इन दोनों इवेल्युएशन प्रोसेस को देख करके जो ब्लड फ्लो का डिक्रीज हुआ है उनको पता लगाया जा सकता है और ये डिटरमिन कर किया जा सकता है कि ब्लड फ्लो एक्सरसाइज के दौरान कैसा है। इस एग्जामिनेशन मेथड से हम हार्ट के प्रॉपर फंक्शनिंग और अगर कोई भी स्कार टिश्यू है हार्ट की मसल्स में तो उनको भी पता लगाया जा सकता है, उनकी इमेजेस को भी देखा जा सकता है। एमआरआई में जनरली मैग्नेटिक फील्ड, रेडियो वेव्स और एक कंप्यूटर का यूज होता है जो कि हम डिटेल इमेज ले सकते हैं, जिनकी हेल्प से हम एक डिटेल इमेज ले सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पार्ट। न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट। न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट जनरली मेजर ये हेल्प करता है मेजर करने में कि ब्लड फ्लो हार्ट मसल्स तक रेस्ट में कैसा है और जब स्ट्रेस टेस्ट करवाया गया है तो उस दौरान कैसा है। न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट के लिए जनरली एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इंजेक्ट किया जाता है ब्लड स्ट्रीम में। ये सब्सटेंस मिक्स होता है ब्लड में और ट्रेवल करता है हार्ट तक।
एक स्पेशल स्कैनर के थ्रू इस रेडियो एक्टिव मटेरियल को डिटेक्ट करवा सकते हैं और हम ये देख सकते हैं कि सब्सटेंस कैसे मूव हो रहा है ब्लड में हमारे हार्ट मसल्स की तरफ। जहां भी पुअर ब्लड सप्लाई होगी वहां के इमेज में ये पता लगाया जा सकता है, क्योंकि जहां भी ब्लड सप्लाई कम होगी उस एरिया में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की क्वांटिटी कम होगी, जो इंडिकेट करेगा कि वहां पे ब्लड आर्टरीज में क्लॉग्ड है या प्लाक डिपोजिशन है। मायोकार्डियल सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी SPECT, ये स्ट्रेस टेस्ट इमेजिंग होता है जो परफॉर्म किया जाता है न्यूक्लियर मेडिसिन ट्रेसर के साथ। जब भी हम इमेजिंग स्ट्रेस टेस्ट करते हैं तो पेशेंट को हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, वॉकिंग जैसी एक्टिविटीज पेशेंट को परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं। अगर पेशेंट कर पा रहा है या नहीं भी कर पा रहा है तो एक रेडियो एक्टिव ट्रेसर इंजेक्ट करते हैं और जब एक्सरसाइज का पीक लेवल आता है तब हम हार्ट की इमेजेस को कलेक्ट करते हैं। जैसे जैसे रेडियो एक्टिव ट्रेसर फ्लो करता है ब्लड में तो एक पर्टिकुलर एरिया में अगर क्लॉग्ड हुआ है, प्लाक डिपोजिशन ज्यादा है, तो उस एरिया में हमें ये पता चल सकता है क्योंकि वहाँ रेडियो एक्टिव ट्रेसर की क्वांटिटी कम होगी। और उस एरिया में हमें ये देखने को मिलेगा कि वहाँ जो ब्लड सप्लाई है वो कम है। डायग्नोसिस के बाद अब हम बात करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के ट्रीटमेंट मेथडोलॉजी के बारे में। ट्रीटमेंट के पार्ट में जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिकेशंस, जिसमें पेन रिलीवर्स जैसे कि आइब्रुफेन इनको यूज किया जा सकता है। ये एक ओवर द काउंटर ड्रग है। ओवर द काउंटर ड्रग वो होती है जिनके लिए किसी भी तरह का प्रेस्क्रिप्शन इम्पॉर्टेंट नहीं होता। ये विदाउट प्रेस्क्रिप्शन भी ये ड्रग्स मिल सकती है। इन ड्रग्स को लेकर के पेशेंट अपने जो पेन है उसको कम कर सकता है। नार्कोटिक्स ड्रग जैसे कि ट्रामाडोल, अल्ट्राम, जो कि ओपियोइड होते हैं, इनको प्रेस्क्राइब किया जा सकता है पेन को रिलीव करने में या पेन को कम करने में। लेकिन बहुत सारे रिसर्चेस में ये देखा गया है कि ये बहुत इफेक्टिव नहीं है और साथ ही इनके कंजम्पशन के बाद जो हार्ट डिजीजेस है या हार्ट का जो रिस्क है वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हार्ट बीट बहुत रैपिड हो जाता है। मेजरली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो नार्कोटिक्स ड्रग्स को फाइब्रोमाइल्जिया जैसे सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। इन ड्रग्स से जो हम स्लीप क्वालिटी है वो भी और हमारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है अगर उनका इम्बेलेंस हुआ है तो उनको भी हम सही कर सकते हैं। एंजाइना के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल चेंज, मेडिकेशन, एंजियोप्लास्टी, कोरोनरी बाईपास सर्जरी। लेकिन इन सब ट्रीटमेंट का एक ही गोल होता है, वो होता है जो हमारी सिम्टम्स है, जो हमारे हार्ट अटैक होने का जो रिस्क है उनको कम करना, या कोई भी हार्ट डिजीज अगर है तो उसकी सिवियरिटी को कम करना, सिम्टम्स को एग्रीवेट होने से रोकना, यही हमारा मेन गोल होता है ट्रीटमेंट।
अगर हम कुछ कॉमन मेडिकेशंस को छोड़कर कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशन जो लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ किए जा सकते हैं, उनमें से कुछ मेडिकेशन है जैसे नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स को ऑफनली यूज किया जाता है एंजाइना को ट्रीट करने में। नाइट्रेट्स और हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको रिलैक्स कर देती हैं और उनको वाइड कर देती हैं, जो कि नैरो थी पहले, कि उनको वाइड कर देती हैं। और वाइड करते ही हमारे जो ब्लड फ्लो होता है हार्ट की मसल्स तक, वो इम्प्रूव होने लगता है। अगर हम नाइट्रेट लेते हैं तो जो चेस्ट रिलेटेड, एंजाइना रिलेटेड जो चेस्ट डिसकंफर्ट है, तो वो हमारा कई बार बढ़ता भी या ट्रिगर हो जाता है। और फिजिकल एग्जर्शन अगर है किसी को तो वो एग्रीवेट भी हो सकता है, लेकिन वो धीरे धीरे सबसाइड होने लगता है। कॉमन जो फॉर्म है नाइट्रेट का, वो नाइट्रोग्लिसरिन टेबलेट होता है, जिसे पेशेंट की टंग के अंदर निचले हिस्से में रख दिया जाता है। इसके अलावा हमारी एस्प्रिन, एस्प्रिन जनरली हमारे ब्लड को क्लॉट होने से रोकते हैं। उनमें एबिलिटी होती है कि ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते, जिससे हमारी जो ब्लड है वो इजीली फ्लो हो सकता है जो नैरो आर्टरीज है उनसे। ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करने से हम हार्ट अटैक जैसे रिस्क को कम कर सकते हैं, लेकिन इसको बिना किसी भी डॉक्टर के एडवाइस के बिना नहीं लेना चाहिए। क्लॉट प्रिवेंटिंग ड्रग्स, कुछ मेडिकेशन ऐसे हैं जैसे क्लोपिड्रोजन, रासुजन, ग्रेलोर। इन मेडिकेशंस को लेकर के हम ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट कर सकते हैं। और किसी भी तरह का अगर ब्लड क्लॉट है तो उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, और हमारी जो नैरो आर्टरीज है उनसे ब्लड को फ्लो करवाया जा सकता है। बीटा ब्लॉकर्स जनरली वर्क करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं हमारे जो एपिनेफ्रिन हार्मोन, जिसे एड्रेनालिन हार्मोन भी कहते हैं, इनको वो ब्लॉक कर देते हैं और इनकी इफेक्ट्स को वो ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हार्ट बीट जो होती है वो हमारी स्लो हो जाती है। और जो हमारे फोर्स, जिस फोर्स के साथ ब्लड पंप हो रहा है, वो भी कम हो जाता है। बीटा ब्लॉकर्स हमारे ब्लड वेसल्स को रिलैक्स होने में और ओपन अप होने में हेल्प करते हैं, जिससे जो ब्लड फ्लो है वो इम्प्रूव हो जाता है। और एंजाइना जैसे जो सिम्टम्स हैं, या चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट है, वो कम हो जाता है, या इन सिम्टम्स को प्रिवेंट भी किया जा सकता है। स्टैटिन्स, स्टैटिन्स ऐसे ड्रग्स होती हैं जिनसे हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो कर सकते हैं, यानी जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जो हार्ट डिजीज के पेशेंट्स में देखने को मिलता है, इन कोलेस्ट्रॉल को हम कम कर सकते हैं और इनके लेवल को हम लो कर सकते हैं। ये जनरली ऐसे सब्सटेंसेस को ब्लॉक कर देते हैं जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, और वो हमारे बॉडी में रीअब्सॉर्ब, जो कोलेस्ट्रॉल का रीअब्सॉर्प्शन होता है, उन्हें आर्टरीज में डिपॉजिट होने से भी रोकते, जिससे हमारी जो आर्टरीज हैं वो नैरो नहीं होती हैं, और नैरो नहीं होती तो ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर रहता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, या जिसे हम कैल्शियम एंटागोनिस्ट कहते हैं, ये भी
हमारे ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है, वाइड करती है, और हमारे जो आर्टेरियल वॉल्स हैं उनके जो मसल सेल्स हैं उनको रिलैक्स करने में हेल्प करती है। उसी के साथ क्योंकि रिलैक्सेशन है ब्लड वेसल्स का, इसलिए जो ब्लड फ्लो होता है हार्ट में वो भी इम्प्रूव हो जाता है, और एंजाइना जैसे सिम्टम्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर लोअरिंग मेडिकेशन, अगर किसी को हाई बीपी है, डायबिटीज है या साइन है हार्ट फेलियर के, कोई क्रोनिक डिजीज है, तो इन मेडिकेशन से उसके जो ब्लड प्रेशर है उसको लो किया जा सकता है। इसके लिए बेसिकली दो क्लासेस ऑफ ड्रग्स यूज किए जाते हैं, एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एस इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसे हम एआरबीएस भी कहते हैं। रेनोलेजिन या रेनेक्सा, रेनेक्सा को अकेले या किसी और मेडिकेशन के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करके, जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर है, नाइट्रोग्लिसरीन यूज किया जा सकता है एंजाइना के ट्रीटमेंट के लिए। मेडिकेशन के बाद जो ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास बचता है एंजाइना के लिए, वो है मेडिकल प्रोसीजर, सर्जरी और लाइफस्टाइल चेंजेस, जिनसे हम स्टेबल एंजाइना को ट्रीट कर सकते हैं। कई बार मेडिकल प्रोसीजर जैसे एंजियोप्लास्टी, स्टंटिंग, इनको भी कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी CABG, इनको भी यूज किया जा सकता है एंजाइना को ट्रीट करने के लिए। एंजियोप्लास्टी या स्टंटिंग, एंजियोप्लास्टी करते समय परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, एक छोटा सा बैलून इंसर्ट किया जाता है हमारी नैरो होने वाली आर्टरीज में। ये बैलून हमारे आर्टरीज को इन्फ्लेट रखता है, वाइड रखता है, और एक छोटा सा मेश कॉइल जिसे स्टंट कहते हैं, ये इंसर्ट किया जाता है ताकि हमारी आर्टरीज ओपन रहे। इस प्रोसीजर को करने से हमारा जो ब्लड फ्लो है हार्ट में वो इम्प्रूव होता है और एंजाइना को रिड्यूस करता है या एलिमिनेट करता है। एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग हमेशा एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन माना जाता है अनस्टेबल एंजाइना के लिए, अगर लाइफस्टाइल चेंजेस और मॉडिफिकेशंस इतने इफेक्टिव काम नहीं कर रहे हैं स्टेबल एंजाइना में, तो इनको भी यूज किया जा सकता है। कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी में एक वेन या आर्टरी जो हमारे लेग्स, जनरली हमारे लेग्स से उन्हें वहां जहां ब्लॉकेज है वहां इम्प्लांट किया जाता है। बाईपास सर्जरी से हमारा जो ब्लड फ्लो है हार्ट का वो बढ़ जाता है, जिससे हम एंजाइना जैसे सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं। ये एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है अनस्टेबल और स्टेबल एंजाइना के लिए, जो बाकी ट्रीटमेंट्स में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, मतलब अगर पेशेंट बाकी किसी ट्रीटमेंट में उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी भी एक अच्छा ऑप्शन होता है ऐसे पेशेंट्स के लिए। एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन ECP, ECP के थ्रू जो ब्लड प्रेशर टाइप कफ होता है वो प्लेस किया जाता है काफ में, थाई में और पेल्विस में, जिससे हमारे जो हार्ट का ब्लड फ्लो है वो बढ़ता है।
लेकिन टीसीपी के लिए मल्टीपल सेशंस लगते हैं। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और ऐसी कई हार्ट ऑर्गेनाइजेशंस का मानना है कि ईसीपी हेल्प करता है एंजाइना सिम्टम्स वाले पीपल को या एंजाइना सिम्टम्स वाले पेशेंट्स को अपने पेन और डिसकंफर्ट को कम करने में। हमने बात किया मेडिकेशंस, हमने बात किया सर्जरी, अब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल और होम रेमेडीज के बारे में, क्योंकि एंजाइना बेसिकली हार्ट डिजीज के कारण होता है, तो इनको रिड्यूस या प्रिवेंट किया जा सकता है अगर हम अपने लाइफस्टाइल में कुछ नेसेसरी चेंजेस लेके आए। अगर कोई स्मोकिंग करता है और उसको चेस्ट पेन है, एंजाइना है, उसे स्मोकिंग बंद कर देना चाहिए, या सेकेंड हैंड स्मोक एक्सपोजर जो है वो भी अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई स्मोक कर रहा है और उसके पास हम खड़े हैं तो हम सेकेंड हैंड स्मोकर कहलाएंगे। इफ यू आर ओवरवेट, अगर कोई ओबीज है, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 ओबीज कैटेगरी में आता है, तो उसे वेट लॉस ऑप्शंस की तरफ बढ़ना चाहिए। वेट लॉस, जैसे जैसे पेशेंट वेट लॉस करता है तो उसके बॉडी का फैट परसेंटेज भी कम होता है। कम फैट परसेंटेज में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होते हैं वो भी कम होते हैं। हेल्दी डाइट या लिमिटेड अमाउंट अगर हम सैचुरेटेड फैट का ले रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा होल ग्रेन्स ले रहे हैं, अच्छे सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा रहे हैं, मतलब अच्छी डाइट ले रहे हैं, तो एंजाइना या हार्ट डिजीज जैसी चीजों से बचा जा सकता है। जब भी हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है तो उससे पहले हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए अगर एंजाइना जैसे सिम्टम्स हैं, क्योंकि एंजाइना ओपनली एग्जर्शन के कारण होता है। इसलिए हमें रेस्ट भी प्रॉपर लेना चाहिए एक्सरसाइज के दौरान। कोई अगर सेकेंडरी डिजीज या कंडीशन के कारण एंजाइना है तो रिस्क ज्यादा होता है, तो उन्हें हमें मैनेज करना चाहिए, उनको ट्रीट करने में भी हमारा ध्यान होना चाहिए। बहुत लार्ज मील से हमें बचना चाहिए। हम अपने पूरे दिन की मील को छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। अननेसेसरी स्ट्रेस लेने से बचना चाहिए और रिलैक्सेशन जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहिए, जिससे हमारा जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो सके। अल्कोहल कंजम्पशन को भी लिमिट करना चाहिए। अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम करता ही है तो उसे 2 या उससे कम के ड्रिंक्स पर डे पे रहना चाहिए, और वुमेन में एक ड्रिंक या उससे भी कम ड्रिंक वुमेन को लेना चाहिए। जनरली ये एडवाइजेबल होता है कि अल्कोहल कंजम्पशन को लिमिट कर दें। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट या कार्डियक रिहैबिलिटेशन जो प्रोग्राम होता है वो इफेक्टिव होता है, हमारी मोर्टैलिटी को कम करता है, पेशेंट के क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करता है। पेशेंट को अगर हॉस्पिटल में रहना है तो उसके ड्यूरेशन को कम कर सकता है। बार बार अगर पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है तो उस फ्रिक्वेंसी को भी कम कर सकते हैं, और स्ट्रेस मैनेजमेंट और अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज में जल्दी से जल्दी हम वापस आ सकते हैं।
कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में जनरली फिजियोथेरेपी और फिजियोथेरेपिस्ट का मेन फोकस होता है एरोबिक एक्सरसाइजेस की तरफ, जैसे कि इलेक्ट्रिकल्स हैं, स्टेशनरी बाइक्स हैं, अर्गोमीटर्स हैं, रोइंग मशीन्स हैं, इनसे जिनसे हमारा हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर रेगुलेट हो सकता है। एरोबिक एक्सरसाइजेस के साथ साथ मोबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी जरूरी होती है। ट्रंक स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग भी करवाया जाता है। एक्सरसाइज टॉलरेंस या इंडोरेंस या स्टेमिना भी इम्प्रूव करने की तरफ एक फिजियोथेरेपिस्ट का फोकस होता है, और उसी के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस भी कार्डियक रिहैब प्रोग्राम के पार्ट होती है। जब भी कोई फिजियोथेरेपिस्ट किसी भी पेशेंट का कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोसेस स्टार्ट करता है, तो उससे पहले वो एक असेसमेंट करके जिसके अकॉर्डिंग पेशेंट के फिटनेस लेवल को असेस किया जा सकता है, और फिटनेस लेवल के असेसमेंट के बाद उस पेशेंट उसके टाइप या उसकी इंटेंसिटी या फिजिकल एक्टिविटी की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग उसके प्रोग्राम या उसके प्रोसेस को टेलर किया जा सकता है। थेरेपिस्ट पेशेंट के ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल को चेक करते रहते हैं इस सेशन के दौरान, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल यानी हमारा सैचुरेशन लेवल SpO2 कम हो रहा है, तो एक्सरसाइज को इमीडिएटली स्टॉप करना। अब बात करते हैं कुछ फिजियोथेरेपेटिक एक्सरसाइजेस के बारे में। सबसे पहली एक्सरसाइज है हमारी एरोबिक एक्सरसाइजेस। एरोबिक एक्सरसाइजेस जैसे कि साइकिलिंग है, इलेप्टिकल्स है, रोइंग एक्सरसाइजेस है, इनसे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है, अल्टीमेटली हमारा जो ब्लड प्रेशर है और हार्ट रेट है वो भी कम होता है। अगर हम एरोबिक एक्सरसाइजेस कर रहे और तो ये देखा जाता है कि एरोबिक एक्सरसाइजेस को फॉलो करने के बाद अगर ट्रेडमिल टेस्ट दोबारा किया जाता है तो उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि इससे जो हमारा कार्डियक आउटपुट है वो भी बढ़ जाता है, यानी हमारा जो हार्ट की जो पंपिंग इफेक्ट है वो भी बढ़ जाता है। एरोबिक एक्सरसाइजेस से टाइप 2 डायबिटीज को भी रिड्यूस किया जा सकता है, और अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज या डायबिटिक पहले ही पेशेंट है तो उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी कंट्रोल किया जा सकता है। जनरली 30 मिनट्स, एक दिन में 30 मिनट्स की एरोबिक एक्सरसाइजेस एडवाइस की जाती है, और एक हफ्ते में 150 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइजेस एडवाइस की जाती है। 150 मिनट मतलब 30 मिनट्स एक दिन का, और ऐसे 5 दिन करना है। हम जैसे जैसे ये एरोबिक एक्सरसाइजेस करते जाते हैं हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस है वो भी बढ़ता जाता है। एक्सरसाइजेस से हमारे एंजाइना को बहुत बेनिफिट मिल सकता है, यानी हमारी एक्सरसाइजेस बहुत बेनिफिट कर सकती है एंजाइना। जैसे इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि हाई रिस्क पेशेंट जो जो डायबिटीज है, जिनको ओबेसिटी है, हाई ब्लड प्रेशर है, उनको मैनेज किया जा सकता है, हमारे हार्ट को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ाया जा सकता है, स्ट्रेस रिलीफ और डिप्रेशन को भी प्रमोट, डिप्रेशन से बाहर निकलने में प्रमोट किया जा सकता है, क्योंकि जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी हैप्पी हार्मोन
जिसे हम एंडोर्फिन कहते हैं, वो रिलीज करते हैं। इस हार्मोन के रिलीज से हम स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी चीजों से फाइट कर सकते हैं। अच्छी एक्सरसाइज करने के बाद एक अच्छी नींद भी मिलती है, जिससे पेशेंट्स को कई बार बहुत रिलीफ मिलता है। ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है। वेट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छा एक टेक्निक है एक्सरसाइज, हमारी मसल्स को स्ट्रेंदन करते हैं और स्ट्रेंदनिंग के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी पे भी काम होता है, और जिससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। कुछ एक्सरसाइजेस की अगर मैं बात करूं तो ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, प्लेइंग टेनिस, जंपिंग रोप, इन सब एक्टिविटीज जो हाई पंपिंग एरोबिक एक्सरसाइजेस हैं, इनको डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बाद कम से कम 150 मिनट पर वीक करना चाहिए, जिससे हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस है वो बढ़ता है। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो कई सारे हमें सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें उन सिम्टम्स को पहचानना आना चाहिए जो नॉर्मल नहीं। जैसे अगर किसी को एक्सरसाइज करते वक्त बहुत ज्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही, वीकनेस लग रही, डिजीनेस लग रहा है या लाइट हेडनेस लग रहा है, और तब हमें पेशेंट को जो इंटेंसिटी है उसे कम करना है, या तो पेशेंट को कंप्लीट रेस्ट देना। रेस्ट करते समय उसके फिट अप रहे, जिससे उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो हार्ट में, और जल्द से जल्द डॉक्टर को कॉल करें। अगर एक्सरसाइज करते समय हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रही है और या इरेगुलर हो रही है, तो ऐसे टाइम पे रेस्ट करें और अपने आप को काम डाउन करें और अपने पल्स को हर 15 मिनट में चेक करें। अगर ये 120 से 150 से ज्यादा है तो अपने डॉक्टर को कॉल करके कंसल्ट करें। किसी भी तरह का चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट अगर हो रहा है तो एक्सरसाइज को स्टॉप कर दें। वो पेन अगर हमारे चेस्ट एरिया में है, आर्म एरिया में है, नेक में है, जॉ में है या शोल्डर में है, या हमें यहाँ प्रेशर फील होता है, तो ऐसे समय में एक्सरसाइज को स्टॉप कर देना चाहिए। एक्सरसाइज करने के बेनिफिट भी, जैसा हमने अपने इसी पिछले स्लाइड में बात किया कि इससे हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होता है, हमारा जो हार्ट डिजीज का जो रिस्क है वो भी कम हो जाता है क्योंकि ब्लड प्रेशर लो रहता है। एक हेल्दी वेट को गेन किया जा सकता है, हमारे बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। एनर्जी, ये हमें पूरे दिन एनर्जेटिक लगता है और एक्सरसाइज करने के बाद पूरे दिन हम एनर्जेटिक फील करते हैं, हमें लेथार्जिक फील नहीं होता है। पेशेंट के जो टायर्ड होने की जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाती है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ से भी पेशेंट को रिलीफ मिलता है। इसी के साथ हमारी मसल्स भी स्ट्रांग होती हैं, टोन्ड होती हैं, हमारे जॉइंट के बैलेंस और फ्लेक्सिबल मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, जॉइंट पेन कम होता है, हमारे बोन्स स्ट्रांग होते हैं, एक्स्ट्रा फैट जो हमारे बॉडी में है उस फैट से भी हमें छुटकारा मिलता है, स्ट्रेस कम रहता है, टेंशन एंजाइटी डिप्रेशन से हम फाइट कर सकते हैं, हमें अच्छी नींद आती है, और ओवरऑल हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, हमारा जो सेल्फ एस्टीम कॉन्फिडेंस है वो भी इम्प्रूव होता है।
इन्हीं के साथ अगर हम कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाएं तो हमें जो फायदा मिलता है वो डबल हो जाता है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स के तौर पे हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या थोरैसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है या खड़े होना है या लेटना है और अपने धीरे धीरे एक लंबी गहरी सांस लेनी है नाक से और फिर अपने एयर को जो हमने इनहेल किया है उसे होल्ड करना है 2 से 3 सेकंड के लिए, जिसे हम इंस्पिरेटरी होल्ड कहते हैं, और फिर धीरे धीरे हमें उसको बाहर करना है या एक्सहेल करना है। हमें बहुत फोर्स के साथ एक्सहेलेशन नहीं करना। इसी को जब हम 3 से 5 बार रिपीट करते हैं तो हमें स्ट्रेस से भी रिलीफ मिलता है और बॉडी रिलैक्स्ड फील करती है। स्विमिंग भी एक बहुत अच्छा वर्कआउट माना जाता है क्योंकि एक फुल बॉडी वर्कआउट होता है और ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, एंड्यूरेंस, हमारी मसल स्ट्रेंथ या ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ और स्टेमिना के लिए बहुत हेल्पफुल होती। एक्सरसाइज कॉशंस मतलब अगर हमको कुछ ऐसे सिम्टम्स फील हो तो हमें एक्सरसाइज नहीं करना। जैसे अगर किसी को एंजाइना फील हो रहा, चेस्ट पेन हो रहा है तो उसे एक्सरसाइज नहीं करना। अगर किसी को बहुत थकान लग रही है, उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीद हो रही है ऑलरेडी, तो उसे एक्सरसाइज नहीं करना है और अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना है। कोई भी अपर बॉडी की एक्सरसाइज जिससे एंजाइना प्रोड्यूस हो सकता वो करने से हमें बचना है। जनरली अपर बॉडी एक्सरसाइज ज्यादा एंजाइना प्रेसिपिटेट करती है कंपेयर टू लोअर बॉडी एक्सरसाइजेस। प्रॉपर वार्म अप और कूल डाउन सेशन को करने से एंजाइना का रिस्क या कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। सो अगर हम किसी भी एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हमें प्रॉपर वार्म अप और कूल डाउन सेशन जरूर करना है। अगर नाइट्रोग्लिसरिन जैसा ड्रग प्रेस्क्राइब किया गया है पेशेंट को तो उसे हमेशा अपने साथ कैरी करना है, स्पेशली अगर वो पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है। बहुत एक्सट्रीम वेदर, बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा गर्मी है, ऐसे वेदर में एक्सरसाइज करने से बचना है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया एंजाइना पेक्टोरिस पर यह सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।